इतने सालों से हम रेसलिंग देखते हुए आ रहे हैं और कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम रेसलिंग की दुनिया में पसंद करते हैं, जैसे कि जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, ट्रिपल एच, अंडरटेकर एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन क्या हमने कभी एक्चुअली में सोचा है कि इनकी जर्नी क्या थी, कि आखिर WWE में ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूं अर्ली 2000s की गाइस, जब रेसलिंग की दुनिया में एक नई एरा का जन्म हुआ था। एटीट्यूड एरा खत्म हो गई थी और एक ऐसी एरा आई थी जो कि अब हिस्ट्री में है, और आज इतने सालों बाद भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी एरा जिसने रेसलिंग फैंस का रेसलिंग की तरफ नजरिया ही बदल दिया, एक ऐसी एरा जिससे हम कह सकते हैं ग्रेटनेस वॉज बॉर्न, और एक ऐसी एरा जिसको हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज रूथलेस अग्रेशन। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करूंगा अपनी ये नई सीरीज का पहला एपिसोड गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग राइड। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई सीरीज पे जिसका नाम है रूथलेस एग्रेशन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आज, क्योंकि हमने पहले इतनी कमाल की सीरीज कवर करी है मंडे नाइट वॉर्स की, और वो मंडे नाइट वॉर्स का समय एक ऐसा टाइम था जिसने रेसलिंग की दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, हमें एटीट्यूड एरा दी, एक ऐसा समय जो कि शायद अब रेसलिंग में कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। उस टाइप का एजी कंटेंट शायद हमें कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने वो सीरीज़ को चेकआउट नहीं कराए कि किस तरीके से टेड टर्नर और विंस मैकमैन यानी कि ये दो बिलियनेयर्स ने शुरुआत करी थी, आपस में भिड़े थे ये जानने के लिए कि कौन है नंबर वन, और इतने सालों तक ये दोनों बैक एंड फोर्थ जाते रहे, और जो पूरी कहानी है उसकी मैंने अच्छे से सारे 20 के 20 एपिसोड्स हैं भाई, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, आप डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये है रूथलेस एग्रेशन और ये है एपिसोड नंबर 1 जिसका नाम है इट्स टाइम टू शेक थिंग्स अप, कुछ नया करते हैं मंडे नाइट वॉर्स के बाद। और यहां पे जो हमारा लाइक का गोल है गाइस, हमेशा की तरह 2000 लाइक्स का रहने वाला है। न्यू सीरीज, एवरीवन शुड बी एक्साइटेड, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही मुझे मजा आएगा आपके जो रिस्पॉन्स है उसको देखने में। अब ऑब्वियसली मार्च ऑफ 2001 विंस मैकमैन ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी ओवर टेड टर्नर, और मंडे नाइट वॉर्स ऑफिशियली WWE जीत चुकी थी, और ये बहुत बड़ी मोमेंट थी उनकी कंपनी के लिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। और साल 2002 से 2012 तक जो WWE के लीड राइटर थे जिनका नाम था ब्रायन गेविट्स, वो यहाँ पे बात करते हैं और कहते हैं कि उस समय सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, वो बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की तरह बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये था मंडे नाइट वॉर्स के बाद कि उसी फ्लो को हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। और क्रिश्चियन भी यहाँ पे इसी तरीके की कोई बात करते हैं कि मंडे नाइट वॉर एक कॉम्पिटिशन था, और उस कॉम्पिटिशन की वजह से फैंस में हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी, लेकिन अब एक ही कंपनी बची थी तो उस चीज़ को हम कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि भाई तुम अपने कॉम्पिटिशन को ऐसे ही रिप्लेस करके और किसी कॉम्पिटिशन को तो ला नहीं सकते। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह थी कि जो फैंस हैं क्या वो वैसे ही रेसलिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर कम्प्लीटली वो इसको छोड़कर चले जाएंगे। काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो लोगों के दिमाग में इस समय पर आ रहे थे। तो मार्च 26, 2001 वो पहला दिन था जब विंस मैकमैन की इस परचेज के बाद पहली मंडे नाइट रॉ हो रही थी, और यहां पे वो अनाउंस करते हैं कि मैंने WCW को खरीद लिया है। और साथ के साथ नाइट्रो का भी आखिरी शो चल रहा था जो कि रॉ के ऊपर दिखाया जा रहा था, और नाइट्रो में रॉ की भी स्क्रीनिंग दिखाई जा रही थी। और लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि शेन मैकमैन जो है वो मंडे नाइट्रो के शो पर आ गए, और विंस मैकमैन को वो लाइव कह रहे हैं कि भाई ये जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है इस पे नाम मैकमैन तो है लेकिन पूरा नाम शेन मैकमैन है, एंड नाउ आई एम द ओनर ऑफ WCW। तो ये पहला वो मोमेंट था, और WWE ने इस पूरी परचेज की स्टोरी को एक स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और रेसलमेनिया 17 यानी कि अप्रैल 1, 2001 को हमें देखने को मिलता है कि शेन मैकमैन इंट्रोड्यूस करते हैं WCW के टैलेंट को जो कि रेसलमेनिया की अरीना में बैठे होते हैं, और ये इन्वेजन एंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि WCW के जो स्टार्स हैं वो अब WWE में आके इन्वेजन करेंगे। और इसमें कई सारे बड़े बड़े नाम भी थे जैसे कि बुकर टी और डायमंड डैलस पेज। अब बेकी लिंच यहाँ पे हमको बताती हैं कि भाई उस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी क्योंकि बहुत सारा नया टैलेंट अब WWE में आने वाला था, और रिकोशे कहते हैं उनको भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही थी क्योंकि वो दोनों ही WWE और WCW के फैन थे।
तो ये जो एंगल था वो स्टार्ट बिल्कुल कमाल तरीके से हुआ था। बुकर टी ने एक सेगमेंट में विंस मैकमैन को अटैक करा और ऐसी कई सारी सेगमेंट्स जो कि फैंस को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी और ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि वो सोच रहे थे भाई अगर WCW और WWE आपस में भिड़ेंगे तो ऑस्टिन वर्सेस गोल्डबर्ग हो सकता है, आउटसाइडर्स वर्सेस टेकर एंड केन हो सकता है और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई लोगों ने यहाँ पे रख ली थी। लेकिन जब एक्चुअली में उनको देखने को मिला कि क्या यहाँ पे हो रहा है तो बिल्कुल जो है वो भैंस पानी में चली गई। तो WCW के कई सारे बड़े स्टार्स थे जैसे कि केविन नैश, स्कॉट हॉल, हल्क होगन, रिक फ्लेयर, गोल्डबर्ग जो कि कभी WWE में स्टार्टिंग में अपीयर ही नहीं हुए और इसके पीछे का एक रीजन था और वो रीजन था गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कि AOL टाइम वार्नर यानी कि WCW ने इन सुपरस्टार्स को दे रखा था और उस समय विंस मैकमैन की कंपनी के लिए रीजनेबल नहीं था कि इतने बड़े बड़े मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो खरीद लें और इन सारे सुपरस्टार्स को एक साथ अपनी कंपनी में ले आएं। तो जो स्टार्टिंग में स्टार्स आए WWE में वो ऐसे लोग थे जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जिनके पास ग्रो करने का मौका था, लेकिन सक्सेस से वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। तो मार्क जिंड्रैक उनमें से एक रेसलर्स थे और यहाँ पे वो कहते हैं सीधा सीधा कि उस समय हम में से कोई भी इतना रेडी नहीं था कि हम WWE के लेवल पे परफॉर्म कर सकें, लेकिन ये काफ़ी ओवरवेलमिंग था क्योंकि विंस मैकमैन ने उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी। अब ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्वियसली इन लोगों को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये वो बंदे हो सकते हैं जो आखिर रॉक और ऑस्टिन को हटाएंगे अपनी जगह से या फिर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊँ बिग शो जो कि बहुत पॉपुलर स्टार थे उनके अगेंस्ट अगर मैं WCW के एक जॉबर को यानी कि हरिकेन को रख दूँ तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसा लगेगा? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से आंसर मिल गया कि एक तरफ इतने बड़े स्टार्स थे और दूसरी तरफ WCW के जो स्टार्स थे वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे और ऊपर से जो ऑडियंस थी यानी कि जो फैंस देख रहे थे वो इन स्टार्स से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से ये पूरा जो इन्वेजन वाला एंगल है वो जबकि स्टार्ट अच्छे से हुआ वो एक पॉइंट के बाद आके बिल्कुल फ्लैट फील होना शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू और भी था गाइज कि WWE के जो और इतने सारे सुपरस्टार्स थे आखिर उनको TV टाइम कौन देगा, क्योंकि उस समय पे TV टाइम एक करेंसी जैसी पॉपुलर आइटम होती थी भाई कि तुम्हें उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर WCW का भी इतना सारा टैलेंट एक कंपनी में आ गया तो आखिर जो ऑलरेडी WWE में टैलेंट है उसका फिर क्या होगा? तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका जो पहला सोल्यूशन WWE ने निकाला वो ये कि भाई देखो हमारा 2 घंटे का शो है, 1 घंटे हम मंडे नाइट ड्रॉ करते हैं और 1 घंटे हम WCW का शो चलाते हैं, क्या पता इससे जो है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। लेकिन जब पहली बार उन्होंने करा उसके 10 मिनट बाद ही उनको ये पता लग गया कि ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करने वाली। तो जो WCW वाला पहला हाफ शुरू हुआ गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें मैच था बुकर टी अगेंस्ट बफ बैगवेल और लोग इनको बुरे तरीके से बू कर रहे थे क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये क्या यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा काफ़ी कोशिश कर रहा था इस चीज़ को बहुत बड़ा दिखाने की और वो थे आर्न एंडरसन जो कि कमेंट्री पे थे और वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है नासा की मून की लैंडिंग से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इतनी पॉपुलर होने वाली है। पर अगर रियलिटी की मैं बात करूँ ये उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जितना कि इस समय पर विमेंस का IPL है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट उस समय पर फील हो रहा था। तो ये स्टोरी लाइन जो थी वो इन्वेजन वाली बिल्कुल डेड थी और नवंबर 2001 तक इसको पूरा ख़त्म कर दिया गया था। तो WCW की परचेज के बाद ये पहली ही बड़ी स्टोरी लाइन WWE की फेल हो गई और ऊपर से एक शो को दो में बांटने वाला आइडिया भी बुरे तरीके से फेल हो गया। तो उनको एक चीज़ यहाँ पे चाहिए थी जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था और वो था नए स्टार्स को बुलाना कि भाई अब अगली जनरेशन कौन होगी, क्योंकि पहले आए थे 80s के बाद 90s के एटीट्यूड एरा वाले स्टार, तो अब 90s के बाद 2000s की अगली जनरेशन कौन होगी वो WWE को ढूंढनी थी। और जिम कॉर्नेट यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से उस समय इंपॉर्टेंट था कि एक डेवलपमेंटल टेरिटरी WWE बनाए जहाँ पे अलग अलग सुपरस्टार्स को टेस्ट करा जाएगा और ऑडियंस के सामने उनको मैचेस लड़वाए जाएंगे अगेंस्ट डिफरेंट अपोनेंट्स। और WWE ने गाइस स्टार्ट करा ओहायो वैली रेसलिंग को इन लुईविल केंटकी और ये बेसिकली था एक OVW नाम का डेवलपमेंटल सेटअप जहाँ पे अलग अलग स्टार्स लड़ रहे थे। और आपको ऑलरेडी अगर नहीं पता है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सुपरस्टार्स निकल के आए थे जैसे कि जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, और ये काफ़ी कमाल की बात है। और बटिस्टा कहते हैं कि उस पॉइंट पे जब वो OVW में थे हर चीज़ बहुत क्रेजी थी और टैलेंट जो है वो दिन पर दिन वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था और उनको ऑब्वियसली उस समय ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये जो हमारा ग्रुप ऑफ टैलेंट है ये शायद WWE की अगली बड़ी नई जनरेशन बन सकता है। लेकिन ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं कि ऐसा भी नहीं था कि उनको हम सीधा लॉन्च कर दें और वो स्टार्स बन जाएंगे, उनको टाइम चाहिए था और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये कि WWE इनके अंदर इन्वेस्ट करे अगर उनको डेवलपमेंटल टेरिटरी के अंदर रखा जा रहा है।
तो जहां एक तरफ WWE अपने इन सारे डेवलपमेंटल में टैलेंट्स को बिल्ड कर रही थी, दूसरी ही तरफ वो WCW के बड़े स्टार्स जो कि गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे अब फ्री एजेंट्स बनने शुरू हो गए थे। और उनमें से सबसे पहले थे रिक फ्लेयर जो कि वापस आए WWE में और अपने होम टाउन शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने रिटर्न करा। एक बहुत ही ज़्यादा मस्त रिटर्न उनका यहाँ पे हुआ क्योंकि उन्होंने आके अनाउंस करा कि भाई कुछ देर पहले शेन और स्टेफनी मैकमैन ने अपना WWE स्टॉक बेचा है और वो और किसी को नहीं विंस बल्कि मुझे बेचा है और अब मैं तुम्हारा इस कंपनी में पार्टनर बन चुका हूँ। और यहाँ से गाइज हमें मिलती है विंस मैकमैन की वो लेजेंडरी जिफ जो कि आज तक हम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि विंस मैकमैन ऐसे अपने सर को स्क्रैच कर रहे हैं। और वो आइकॉनिक मोमेंट थी यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है क्योंकि विंस मैकमैन को यकीन नहीं होता कि रिक फ्लेयर उनके पार्टनर बन गए हैं। ऑब्वियसली ये जो चीज़ थी वो पूरी स्टोरी लाइन थी। तो जो टैलेंट था गाइज एक समय पे जो विंस मैकमैन को बाहर निकालने वाला था, जो उनको बिजनेस से रफा दफा कर सकता था, अब वो उनके लिए काम कर रहा था। तो पहले रिक फ्लेयर वापस आए और उसके बाद NWO जो कि सबसे बड़ी फैक्शन थी वर्ल्ड में वो यहाँ पे आ चुकी थी। और रॉक ने चैलेंज कर दिया था हॉलीवुड होगन को और लोगों को उम्मीद थी यहाँ पे कि हमें बड़े बड़े ड्रीम मैचेस देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली ऐसा हुआ क्योंकि रेसलमेनिया 18 में हमें हल्क होगन वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिला। और जबकि इन WCW के लेजेंड्स के वापस आने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला WWE को और काफ़ी उनका स्टॉक आगे बढ़ गया, लेकिन जो मेन बंदे थे इस कंपनी का स्टेयरिंग व्हील था जिनके हाथ में, वो अभी भी WWE के सुपरस्टार्स ही थे, जैसे कि ट्रिपल एच जिन्होंने क्रिस जेरिको को हराया था रेसलमेनिया 18 में, अनदर फॉर्मर WCW सुपरस्टार टू बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन। और मिक फोली यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रिपल एच और अंडरटेकर जैसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं जब WWE जैसी कंपनी एक ट्रांजिशन से निकलती है, यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाती है। और JBL यहाँ पे काफ़ी कमाल का पॉइंट रखते हैं इन पोस्ट ओपिनियन, और उन्होंने कहा कि देखो भाई जब बिजनेस बिल्कुल ऊपर चल रहा है तो कोई भी सुपरस्टार टॉप पे रहना पसंद करेगा, लेकिन अंडरटेकर और ट्रिपल एच जैसे सुपरस्टार्स ने ये हार्ड टाइम्स में काम करा जब बिजनेस बिल्कुल नीचे गिरता चला जा रहा था और उन्होंने इस कंपनी को जो है अपने कंधों पर रखा। और कर्ट एंगल जैसे सुपरस्टार जिन्होंने परफेक्ट टाइम पे अपने आप को स्टेप अप करा और उन्होंने भी अपने आप को एक कमाल के सुपरस्टार में कन्वर्ट करा। तो सारे लोग तारीफ करते हैं एटीट्यूड एरा की और ऑब्वियसली वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी थिंग थी, लेकिन उतना ही मुश्किल था WWE के लिए इससे ट्रांजिशन करना। और इस समय पे वो जो एजी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे थे वो काफी फोर्स्ड लग रहा था और वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था। तो सेगमेंट्स जैसे कि विलियम रीगल किसिंग विंस मैकमैन्स एस, ब्रा एंड पैंटी मैचेस और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि WWE कर रही थी ताकि बस वो एजी कंटेंट दे सकें, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था क्योंकि एट द एंड जो फैन बेस है वो नीचे गिरता चला जा रहा था। तो इस समय WWE का एक बहुत बड़ा रोस्टर था और ये एक बहुत बड़ा इशू भी था क्योंकि आखिर इतने सारे सुपरस्टार्स हैं और तुम नए सुपरस्टार्स डेवलप भी कर रहे हो तो आखिर इनको मैनेज कैसे किया जाएगा। और एक डिसीजन ऑब्वियसली यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी था और विंस मैकमैन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता था, एंड दैट वॉज अ ब्रांड स्प्लिट। तो यानी कि आधा रोस्टर मंडे नाइट ड्रॉ पे होगा और आधा रोस्टर जो है वो स्मैकडाउन के ऊपर होने वाला है। तो मिस यहाँ पे कहते हैं कि उनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि भाई जब तुम्हारे पास कंपटीशन नहीं है जिसके साथ तुम कम्पीट कर सको तो क्यों ना तुम अपनी कंपनी के अंदर ही एक कंपटीशन बिल्ड करने की कोशिश करो। और ऑब्वियसली इस डिसीजन का मतलब ये था कि रेटिंग्स गिरने वाली थी क्योंकि अगर लोगों को रॉ पे अपने फेवरेट स्टार्स नहीं दिख रहे, स्मैकडाउन पे अपने फेवरेट स्टार्स नहीं दिख रहे तो वो उस शो को नहीं देखने वाले। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट थी फ्यूचर के लिए जो कि आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स दे सकती थी। तो मार्च 25, 2002 को गाइज हमें द फर्स्ट एवर ड्राफ्ट इन WWE हिस्ट्री देखने को मिला था और यहाँ पे एक या दो सुपरस्टार्स के अलावा ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं कि और किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो रिक फ्लेयर ऑब्वियसली जो कि अब पार्टनर बन चुके थे विंस मैकमैन के, वो रॉ की साइड से ड्राफ्ट पिक कर रहे थे और विंस खुद जो है वो स्मैकडाउन की साइड से पिक कर रहे थे। तो जो सबसे पहली पिक यहाँ पे रिक फ्लेयर करते हैं वो थी बबा रे डडली और विंस मैकमैन करते हैं डी वॉन डडली। और सारा लॉकर रूम जो है वो बैक स्टेज बैठा हुआ है, सब लोगों के दिमाग पे सुनते ही इतनी टेंशन आ गई कि भाई ये दो बंदे जो इतने सालों से कमाल की टैग टीम की तरह काम कर रहे हैं इनको स्प्लिट क्यों करा जा रहा है जब लोग ये चीज़ नहीं देखना चाहते। लेकिन बबा रे डडली कहते हैं कि विंस मैकमैन ने डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू शेक द थिंग्स अप। और विंस मैकमैन की थिंकिंग यहाँ पे ये थी कि बैक स्टेज अगर ऐसा मूड रहेगा पूरा सुपरस्टार्स का तो वो कंपटीशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स इस बात से नाखुश थे। मैट हार्डी और लीटा को भी अलग कर दिया गया था जो कि उस समय पे रियल लाइफ में डेट कर रहे थे। और मैट हार्डी यहाँ पे कहते हैं कि ये ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ थी उस समय पे
कि सारा रोस्टर बिल्कुल अनअवेयर था, सारे लोग वरीड थे, चिंता थी सबको कि हमारा क्या होगा, जो मंडे नाइट ड्रॉप है हमें टीवी टाइम मिल रहा है, क्या वही चीज़ अब हमारे साथ स्मैकडाउन पे भी होगी, क्या उसी तरीके से अब हमें देखा जाएगा, क्या होगा, ये बात किसी को नहीं पता थी। और केविन ओवेंस यहाँ पे कहते हैं कि जबकि उनको इस पूरी चीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था, उनको ये पता नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा। तो ड्राफ्ट जो है इस समय पर एक 50-50 हम कह सकते हैं सिचुएशन थी, कुछ लोगों को पसंद आ रही थी, कुछ को नहीं आ रही थी, लेकिन ये WWE के लिए एक काफ़ी छोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ इस कंपनी के अंदर वो शायद किसी ने नहीं सोचा था, और वो सबसे मेजर प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जब रॉक ने डिसाइड करा कि वो हॉलीवुड में जाने वाले हैं, देन द थिंग स्टार्टेड टू रियली ब्रेक डाउन। अब जब द स्कॉर्पियन किंग मूवी आई रॉक की 2001 में, तो वो इतनी पॉपुलर हो गई मूवी कि अप्रैल के महीने में हिस्ट्री में सबसे बड़ी ओपनिंग रही उस मूवी की, और ऑब्वियसली रॉक के लिए वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उनका WWE में टाइम लिमिटेड रहने वाला है। और एडम कोल कहते हैं कि मैंने बचपन से रॉक को रिलीजियसली फॉलो करा था, और मैं बहुत ज़्यादा वरीड था कि यही बंदा चला जाएगा तो मैं रेसलिंग क्यों देखूंगा, और जबकि रॉक का हॉलीवुड में जाना WWE के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इससे भी बड़ी एक मेजर हिट इस कंपनी को लगी व्हेन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डिसाइडेड टू वॉक आउट। तो ऑस्टिन इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी क्रिएटिव बुकिंग से, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये रिवील करा कि जो मंडे नाइट रॉ का क्रिएटिव बुकिंग इस समय चल रहा है, जो स्मैकडाउन पे काम चल रहा है, इट एब्सोल्युटली सक्स। और वो बिगेस्ट स्टार थे कंपनी के, रीज़न था जिसकी वजह से WWE सर्वाइव कर पाई मंडे नाइट वॉर्स के अंदर, और अब उनके आइडियाज़ जो हैं वो ऑस्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और ऑस्टिन यहाँ पे कहते हैं कि उस समय मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मैं काफ़ी सारा ड्रिंक भी कर रहा था, और ऐसा लग रहा था मुझे कि एंड इज़ नाउ नियर फॉर मी। और इसी समय पे गाइस WWE जो अपनी डेवलपमेंटल टेरिटरी चला रही थी उससे एक स्टार बाहर निकल कर आया था, हुज नेम वॉज ब्रॉक लेसनर। ये एक ऐसा बंदा था जो कि रिकीशी जैसे बंदे को इतनी आसानी से F5 करता है जैसे कि हम आसानी से नींद में खराटे लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे रिकीशी पे F5 लगाई, और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे क्रिएटिव ने सोचा कि भाई ऑस्टिन के साथ तो हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, क्यों ना ये अप एंड राइजिंग स्टार ब्रॉक लेसनर के साथ ऑस्टिन का एक मैच कराया जाए, और क्या पता ये चीज़ जो है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रूव हो सकती है। तो विंस मैकमैन ने इस बारे में सोचा, उन्होंने फाइनली अग्री करा, और ये डिसीजन लिया गया कि इन दोनों का मैच तो होगा, लेकिन वो एक अनअनाउंस्ड नॉर्मल सा मैच होगा, एक किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफायर। और यहाँ पे प्लान सिर्फ इस मैच को करना नहीं था, बल्कि प्लान एक्चुअली में ये था कि ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन को हरा देंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मतलब ऑस्टिन यहाँ पे उनको बताते हैं कि जिम रॉस ने उनको कॉल करके बोला कि भाई ये कोई नया बंदा है ब्रॉक लेसनर, और प्लान ये है कि जब तुम अगली बार आओगे यहाँ पे और ये मैच जब हम करेंगे तो इसके अंदर ये तुम्हें हराएगा। और ऑस्टिन कहते हैं भाई मैं तुम्हारा सबसे बड़ा स्टार हूँ और तुम मुझे किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफायर हरा दोगे। और ऑस्टिन यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं मैच हारूंगा, लेकिन मुझे बिजनेस से फ़र्क पड़ता था, और ये चीज़ मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए सही नहीं थी। और मैंने जिम रॉस को 3-4 बारी पूछा कि यही सच में तुम करने वाले हो, और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो देखो सीधी सी बात है मैं शो में नहीं आने वाला। तो ऑस्टिन ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं आने वाला। और शो वाले दिन विंस मैकमैन को बात पता चली कि ऑस्टिन अपनी वाइफ के साथ वापस अपने होम टाउन चले गए हैं फ्लाइट लेके, और विंस मैकमैन इस बात से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुंदक में थे। और ऑस्टिन कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक फक यू, और मैं जा रहा हूँ अपना घर लेके सामान सब कुछ, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विंस कहते हैं कि भाई मुझे बहुत अपसेट फील हो रहा था क्योंकि ऑस्टिन ने मुझे इस बारे में एक बार भी बताया नहीं कि भाई हम चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करें। और रॉ पे विंस मैकमैन आते हैं बिल्कुल अजीब से अपने इंप्रेशंस लेके, और वो बोलते हैं कि ऑस्टिन जो है वो जा चुके हैं, रूमर्स बिल्कुल सच है, और शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं हुई गाइस। और जबकि स्पॉन्सर्स काफ़ी पेशेंट थे कि ऑस्टिन और रॉक नहीं है, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे क्योंकि उनको तो भाई अपने बड़े स्टार्स से मतलब था। तो इस समय बिजनेस जो था इंक्लूडिंग लाइव इवेंट्स, मर्चेंडाइज और बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो नीचे गिरती चली जा रही थी। और विंस मैकमैन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये थोड़े टाइम के लिए चलेगा और धीरे धीरे करके WWE में एक नई फ्रेश वेव आने वाली है जो कि चीज़ों को इम्प्रूव कर देगी। और इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को एक बार फिर से री इमेजिन करने की सोची, और उसी तरीके से उनका दिमाग चलना शुरू हुआ जैसे कि उस समय पे चल रहा था जब पहली बार WCW उनके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन में आई थी और वो फोर्स हो गए थे एटीट्यूड एरा को लाने में। तो यहाँ पे विंस मैकमैन ने अपनी पूरी कंपनी को री इमेजिन करा, और उन्होंने गाइज एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा विच वॉज गेट दी एफ आउट।
और इसका बेसिकली मतलब ये था कि WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में से F को हटाओ और WWE लेके आओ यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो एक नया मतलब, एक नया लोगो, एक नई शुरुआत थी विंस मैकमैन के लिए और उन्होंने गाइस अपनी कंपनी को पूरे तरीके से ही चेंज कर दिया क्योंकि हमेशा से वो एक एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाना चाहते थे ना कि एक स्पोर्ट्स बिजनेस और बिल्कुल उन्होंने वही चीज़ यहाँ पे करी और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थी फॉर द ब्रांड स्प्लिट। एक ऐसा आइडिया जो कि ओरिजिनली शायद लोगों को लग रहा था उतना अच्छा काम नहीं करेगा लेकिन अब अच्छा चलना शुरू हो गया था क्योंकि इसने रॉ और स्मैकडाउन यानी कि दोनों ब्रांड्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना दिया था। आपस में दोनों ब्रांड्स रेटिंग्स के लिए कम्पीट कर रही थी और सुपरस्टार्स के अंदर था कि अगर हम इस ब्रांड पर हैं तो हमें इसके लिए बेटर करना है। और क्रिश्चियन रिमेंबर करते हैं कि किस तरीके से स्मैकडाउन को बी शो बोला जाता था और एक इंटरनेशनल टूर पे स्मैकडाउन ने बेटर नंबर्स करे थे एज कम्पेयर टू मंडे नाइट रॉ, जिससे प्रूव होता है कि दोनों रोस्टर पे जो सुपरस्टार्स थे वो इक्वली मोटिवेटेड थे कि हमें अपने ब्रांड को बढ़िया बनाना है। तो ये जो ब्रांड स्प्लिट का आइडिया था उस समय पे बेस्ट सोल्यूशन था क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स का टाइम मैनेज करने का और कोई तरीका नहीं था, स्पेशली फॉर सुपरस्टार्स लाइक जेफ एंड मैट हार्डी, रे मिस्टीरियो, एज, एडी गरेरो एंड रॉब वैन डैम, जिनको मौका मिला अपने स्किल्स को शोकेस करने का। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर एक ही शो होता और इतने सारे सुपरस्टार्स को फोकस करना होता तो कभी हमें इतने अलग अलग स्टार्स देखने को मिलते? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होता। और ये काइंड ऑफ वैसी ही सिचुएशन थी जैसे कि WWE WCW के अगेंस्ट कंपीट कर रही थी, कॉम्पिटिशन था, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये था कि अपनी ही ब्रांड के अंदर कॉम्पिटिशन है जो कि दोनों तरफ से उनके लिए पॉजिटिव था। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ अभी भी इस कंपनी के लिए मिसिंग थी, रॉक और ऑस्टिन चले गए थे तो आखिर वो नंबर वन पर्सन कौन है, वो नंबर वन कंपनी का फेस कौन है जो कि एक्चुअली में इस कंपनी को लीड कर सकता है। तो गाइस रॉ June 24, 2002 को विंस मैकमैन आते हैं रिंग में और सारे सुपरस्टार्स ने उनको घेर के रखा होता है और विंस कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत से लोग मैच नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से एक अनोखी क्वालिटी है एंड दैट क्वालिटी इज रूथलेस अग्रेशन। और ये वो मोमेंट था जब विंस मैकमैन ने बिल्कुल एक ओपन फील्ड दे दी सारे सुपरस्टार्स को कि भाई सिंपल सी बात है, तुम देखो अगर तुम स्टेप अप करोगे तो ठीक है, वरना यू कैन स्टेप आउट। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम द नंबर वन उस मोमेंट तक पहुँचो, उसको पकड़ो, उसको ग्रैब करो एंड शो मी सम रूथलेस एग्रेशन। और विंस मैकमैन की इस सेगमेंट के 3 दिन बाद ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन अ गाय कॉल्ड कर्ट एंगल अ सुपरस्टार इन WWE उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो करा कि भाई कोई भी आके मुझे चैलेंज कर सकता है एंड अ नेम फ्रॉम OVW चैलेंज्ड हिम, जो कि उस समय लोगों को लग रहा था कि भाई ये कौन सा जॉबर उठा के ले आए, हिज नेम वॉज जॉन सीना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कर्ट एंगल कहते हैं कि भाई तुम मुझे एक ऐसी क्वालिटी बता दो कि मैं तुम्हारे अंदर वो देखूं और फिर मैं तुमसे लड़ सकता हूं। जॉन सीना आंसर्स एंड सेज रूथलेस अग्रेशन और वो पंच करते हैं कर्ट एंगल को और यहीं पे जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो काफ़ी कमाल की स्टार्टिंग रही है गाइस इस सीरीज़ की और हमको पता लग गया है कि आखिर रूथलेस एग्रेशन की ज़रूरत क्यों थी, आखिर ये सीरीज़ क्यों हुई, आखिर ये एरा क्यों आई और क्या ऐसी ज़रूरतें थी WWE की कि उनको मजबूर होना पड़ा कि ये सारे डिसीजंस बोलें। अब आगे हम ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे, अगला एपिसोड पूरे तरीके से फोकस करेगा जॉन सीना के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ऐसा लाइक कराएं, होप यू लाइकिंग दिस सीरीज़ गाइस। डेफिनेटली अपने ओपिनियंस इस सीरीज़ के बारे में कमेंट्स बताएं कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।